नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज यादव और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर। दोस्तों, आप लोगों ने सेकेंड पाली का एग्जाम देकर क्या है, वो भी संस्कृत का, और ये सेट कोड ए है, तो आप लोग मिला लीजिए कि कितना सही होता है और कितना गलत। तो दोस्तों, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, पहला यहाँ मंगलम पाठ के कुल कितने मंत्र है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए 5 मंत्र है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हिरण्मयन पात्रेण दृष्टिते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी ईशावास्य उपनिषद से। ओके, ईशावास्य उपनिषद से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है। तो दोस्तों, 3 का सही आंसर वो है पटना। चलिए, तीसरा का ऑप्शन सी पटना, चौथा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है। तो दोस्तों, 4 का सही आंसर है ये वो है कुटनीमत, यानी कुटनीमत, कुटनीमत, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है कुटनीमत। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी 2500 वर्ष। देखिए, बहुत सारे बुक में 1000 वर्ष 2000 वर्ष ऐसे दिए हैं, लेकिन वो गलत बात है। ये पटना का पुराना जो इतिहास है वो है 2500 वर्ष। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, अलसकथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर 6 का जो सही आंसर ऑप्शन ए, विद्यापति। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। देखिए, 7वां में कहा जा रहा है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी शत्रु मानते हैं। ओके दोस्तों, क्या मानते हैं, शत्रु। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर कैसा था, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 8 का सही आंसर है दानशील। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दानशील। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है। तो दोस्तों, 9 का सही आंसर वो है दंडी, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी। तो दोस्तों, 10 का सही आंसर वो है गार्गी। ओके दोस्तों, गार्गी, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में देख सकते हैं, लिखा गया है कि गायंती देवा .. पुरुषा श्रुत्वाप्त, यह पद किस पुराण से उद्धृत है। तो दोस्तों, 11 का सही आंसर वो है विष्णु पुराण से। किससे, विष्णु पुराण से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, भारत भूमि कैसी है। तो दोस्तों, 12 का जो सही आंसर है वो हमारे पास है ए बी सी यानी तीनों हमारे पास है इसका सही आंसर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, संस्कार कितने हैं। तो दोस्तों, संस्कार की संख्या कुल यानी 16 संस्कार है। ओके दोस्तों, यानी बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपको, मैंने जो एग्ज़ाम यानी कराया था मॉडल सेट में, वो आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो दोस्तों, इसका 14 का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, मरणोपरांत, यानी मरने के बाद। ओके दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मैंने दिया था मॉडल सेट में, मतलब कि आपने जो किया था सॉल्यूशन उसमें आया था। दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। तो दोस्तों, 15 का सही आंसर वो है विवाह संस्कार में। ओके दोस्तों, चलिए, विवाह संस्कार, यानी इसका देख सकते हैं ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। साहित्य ग्रंथों में के शांत संस्कार का नामांतर क्या है। तो दोस्तों, 16 का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 16 का सही आंसर है गोदान। 16 का सही आंसर क्या है दोस्तों, गोदान, ऑप्शन डी। दोस्तों, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर करते चलिएगा, ताकि आपका भाई मोटिवेट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो दोस्तों, 17 का सही आंसर है, 17 का वो है विदुर नीति। ओके दोस्तों, तो देख सकते हैं विदुर नीति ऑप्शन ए में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने देशों को त्याग देना चाहिए। तो दोस्तों, 18 का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, 18 का जो सही आंसर वो है 6। ओके, कितने देशों को
त्याग देना चाहिए, 200 देशों हम कह रहे सॉरी 200 को त्याग देना चाहिए, तो वह ऑप्शन बी यानी 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में रूसी की रक्षा किससे होती है, तो रूसी की रक्षा किससे होती है, तो दोस्तों 19 का सही आंसर है वो है दोस्तों मिर्जया से यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भीखनटोला गांव कहाँ है, तो इसका सही आंसर है अपने राज्य में मतलब बिहार में। ओके दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, तो दोस्तों 21 का सही आंसर क्या होगा, तो 21 का सही आंसर कर्मवीर कथा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर कर्मवीर कथा। 22 में स्वामी दयानंद कौन थे, तो दोस्तों 22 का सही आंसर है वो समाज सुधारक थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों 23 का सही आंसर वो है दयानंद यानी देख सकते हैं ऑप्शन बी राइट आंसर, आर्य समाज के संस्थापक। ओके चलिए स्वामी दयानंद जिसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो दोस्तों 24 का सही आंसर है टंकारा, क्या है दोस्तों सॉरी कंटारा, क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर कंटारा, नहीं सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा टंकारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, तो दोस्तों 25 का सही आंसर है वो मंदाकिनी वर्णम, क्या है दोस्तों ये है इसका सही आंसर मंदाकिनी वर्णम यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। 26 का सही आंसर देखिए 26 में क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो दोस्तों 26 का सही आंसर वो है गंगा नदी, क्या है दोस्तों गंगा। ओके यहाँ पे ऑप्शन ए देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि वेगरात पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है 27 का देख सकते हैं लोभ। ओके दोस्तों तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। इंद सुवर्ण कंगनम गृहस्थाम किसने कहा, तो दोस्तों 28 का सही आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स 28 का सही आंसर बाघ, ऑप्शन सी यानी बाघ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है, तो दोस्तों 29 का सही आंसर है वो है शक्र। ओके दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री पड़ता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है टॉप। ओके दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाते हैं सॉरी 31 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आ गए हम। इंद्र जोर्डिन्स से कौन शब्द बनेगा, तो दोस्तों 31 का सही आंसर है इंद्राणी। ओके दोस्तों यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है इंद्राणी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। किस शब्द में डिम पड़ते हैं, तो दोस्तों 32 का सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों 32 का सही आंसर होगा 32 का, मैं दोस्तों इसमें सस्पिशन में हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन होगा, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप लोग मिला लीजिएगा, मैं इसमें कन्फर्म नहीं कह सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में स्वतंत्रतः .. इस सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करें, तो 33 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 33 का सही आंसर वो है ऑप्शन सी कर्ता। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है, तो दोस्तों 34 का सही आंसर द्वितीय, क्या होगा दोस्तों द्वितीय विभक्ति यानी ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हिमालयात गंगा प्रभावती यहाँ हिमालयत पद में पंचमी विभक्ति की सूत्र से हुई है, तो दोस्तों 35 का सही आंसर है भूत प्रवश्यंत, तो देख सकते हैं यहाँ इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूत प्रवश्य प्रभवच्य। ओके दोस्तों यार संस्कृत बड़ा अजीब है, कभी पढ़ता नहीं ना रहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है येनांग विकारह सूत्र का उदाहरण कौन है,
तो दोस्तों 36, 36 का सही आंसर है वो है हमारे पास पृष्ठेन कुज अस्थि। तो दोस्तों देख सकते हैं दिमाग खराब हो जाता है, सह पृष्ठेन कुज अस्थि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, भाव मैं बोलता हूँ। चलिए 37 की ओर चलते हैं, पूर्व पदार्थ प्रधानी .. खाली स्थान में उपयुक्त शब्द भरे, क्या होगा दोस्तों 37 का सही आंसर तो वो होगा तत्पुरुष, ओके ऑप्शन ए यानी तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, किस समास का पहला पद विशेषण होता है। तो दोस्तों 38 का सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों 38 का सही आंसर है कर्मधार्य, कर्मधार्य, ओके दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर है। 39 की ओर चलते हैं, संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा। तो 39 का सही आंसर वो होगा दोस्तों संस्कृत साहित्यम। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में है त्रयानाम भुवनाम समाहरह से कौन शब्द बनेगा। तो दोस्तों 40 का सही आंसर क्या होगा तो मैं आपको बता दूं 40 का आंसर है त्रिभुवनम, ओके यानी ऑप्शन बी सही आंसर है त्रिभुवनम। क्वेश्चन नंबर 41, नात्रितम किस संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों 41 का सही आंसर है स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं, 42 में दे रखा है नगरे जोर अस्मिन से कौन शब्द बनेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों 42 का सही आंसर है वो है नगरे, इसका आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, गुण संधि का उदाहरण कौन है, गुण संधि का उदाहरण कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों तो दोस्तों 43 का सही आंसर है वह नीलोत्पलम, क्या होगा दोस्तों नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, ओके चलिए यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं, वृथैव का विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों 44 का सही आंसर है वो है वृथाज और एव, क्या होगा जोरो दोस्तों वृथाज और एव यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है, पूछा जा रहा है किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों इस शब्द में मैं आपको बता दूं कि प्रेरणा में नहीं है, ओके दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में दे रखा है कि अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है। तो 46 का सही आंसर है अधि, अधि इसका सही आंसर ऑप्शन बी अधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, निह उपसर्ग किस शब्द में है, निह उपसर्ग किस शब्द में है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी निगमम, ओके दोस्तों क्या है दोस्तों इसका सही आंसर निगमम 47 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में पूजनीयम शब्द में कौन पढ़ते हैं। तो दोस्तों 48 का सही आंसर है वो है अनियर, क्या होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनियर। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं, लिख जोर ल्यूट में कौन शब्द बनेगा। तो दोस्तों 49 का सही आंसर है लेखनम, क्या होगा दोस्तों लेखनम ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 50 की ओर चलते हैं, 50 में किस शब्द में सत्री पढ़ते हैं। तो दोस्तों 50 का सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों 50 का सही आंसर है, देखिए किस शब्द में सत्री पढ़ते पूछ रहा है, इसका सही आंसर है उत्कृष्टम में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, कृतवान में कौन पढ़ते हैं, कृतवान में कौन पढ़ते हैं। तो दोस्तों 51 का सही आंसर क्या होगा तो वो होगा कत्वतु, क्या होगा दोस्तों कत्वतु यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 की ओर चलते हैं, किस शब्द में दा पढ़ते नहीं है। तो 52 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों तो 52 का सही आंसर बहुधा, क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर बहुधा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 53 की ओर चलते हैं, 53 में आप देख सकते हैं लघुतम में कौन सा तद्धित पढ़ते हैं, लघुतम में कौन सा तद्धित पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तमप। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं, तो पढ़ते से बना शब्द कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों तो 54 का सही आंसर है पुरुषोत्तम, यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है पुरुषोत्तम,
ओके क्वेश्चन नंबर 55 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में दे रखा है कि असी किस धातु का रूप है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अस। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की मुझे जानकारी नहीं है यार, मैं नहीं दूंगा, आप लोग कॉपरेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 में है गच्छेद किस पुरुष का रूप है, तो दोस्तों 57 का सही आंसर ऑप्शन ए प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। राजसू में कौन विभक्ति है, तो दोस्तों 58 का सही आंसर है 58 का सही आंसर है सप्तमी। ओके दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। कह किस शब्द का रूप है, तो 59 का सही आंसर है क्रीम। ओके दोस्तों यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। 60 में है धातु शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप कौन है, तो दोस्तों 60 का सही आंसर है वह है साधव। ओके दोस्तों तो आशा करता हूँ कि आज की दी गई जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए बाय।